Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 4. We will continue our 7th chapter, Jugs and Mugs. Jugs and Mugs में previous period में हमने addition किया था, subtraction किया था, milliliter and liter का. Jugs and Mugs, that means ये जो counting जो है वो किसके base पे है? तो वो liter and milliliter के base पे है, ml and liter. यहाँ पे मैंने solve the problems लिख के रखे हैं. और Rajesh has 800 ml juice, sorry, 800 ml juice. Out of that, he bought 200 ml juice in Priya's bottle. यहाँ पे राजेश के पास total 800 ml juice है, उसमें से उसने 200 ml प्रिया की बोतल में डाल दिया. Pour, that means डाला, भरा. And pour two times that Priya's in Robbie's bottle. And pour two times then Priya's in Robbie's bottle. That means Priya को जितना दिया उसका double time, two time उसने किसकी bottle में pour किया? Ravi की bottle में. Then how much juice is left with him now? तो यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें simple सी चीज समझनी है कि टोटल 800 ml जूस किसके पास है? राजेश के पास है. उसमें से उसने 200 ml किसको दिया? प्रिया को दिया. एंड देन थर्ड पर्सन रवि है, तो रवि को भी उसने जूस दिया, बट कितना दिया? टू टाइम जितना प्रिया को दिया उतना सेम का सेम उसने टू टाइम रवि की बॉटल में डाला. दैट मीन्स रवि के पास कितना गया एंड उसके पास कितना बचा. एंड प्रिया के पास तो हमें पता ही है कि 200 ml है. हमें फाइंड क्या करना है कि उसने अगर प्रिया को 200 ml दिया, रवि को 200 प्लस 200 दिया, तो उसके पास जूस कितना बचा वो हमें फाइंड करना है. चलो सम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे है, पहले तो हमें पता है कि 800 ml है. 800 ml माइनस 200 ml. तो जब उसने किसको दिया? प्रिया को दिया. ये किसके, ये किसका है? राजेश. एंड ये जो है वो प्रिया. अभी इसको माइनस करेंगे, जीरो जीरो. एट माइनस टू करेंगे, टू के बाद क्या आएगा? थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. एट हुए, एट पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि ऊपर एट है. मेरे फिंगर में कितने हैं? फाइव एंड वन सिक्स. यहाँ पे आएगा सिक्स. ओके, दैट मीन्स उसने जब प्रिया को दिया तो उसके पास 600 बचा था. फिर उसने क्या किया? टू टाइम डाला. कितना डाला? प्रिया से. यहाँ पे क्या लिखा है? टू टाइम्स फॉर टू टाइम्स देन प्रिया. प्रिया को जितना दिया उससे टू टाइम्स ज्यादा किसने, किसकी बॉटल में डाला? उसने रवि की बॉटल में. तो यहाँ पे प्रिया का था 200, तो ये है वन टाइम एंड प्लस 200, तो हो जाएगा सेकेंड टाइम. ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम. तो टोटल उसने 400 किस में डाला? रवि में. अभी उसने जब प्रिया को दिया तब उसके पास बचे थे 600 ml. और जब उसने रवि को दिया 400 ml. तो अभी हमें थर्ड सम भी करना पड़ेगा. ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सम करना पड़ेगा कि 600 माइनस 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो जीरो. सिक्स माइनस फोर करेंगे तो टू. दैट मीन्स रवि के पास कितना बचा? रवि के पास बचा सिर्फ 200 ml. तो हमें स्टेटमेंट लिख देना है 200 ml मिल इज लेफ्ट विथ हिम नाउ. हमें यहाँ पे थ्री सम करने पड़ेंगे. आप इसको इस तरह से ना लिखो तो क्या
अभी उसके पास से 200 ml जूस बचा। ये सम आप करो, नेक्स्ट सम मैं आपको क्वेश्चन समझा। राज राणा कॉफी स्टॉल, आगे हमने सम किया था मोहन रन टी स्टॉल। ये थोड़ा आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए सेम टाइप के, बट थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है फिगर। तो राज राणा कॉफी स्टॉल ही यूज 30 ml मिल्क इन वन कप कॉफी, देन हाउ मच मिल्क इज नीडेड फॉर मेकिंग 80 कप ऑफ कॉफी। देखो चाय, चाय में क्या होता है, टी जब हम बनाते हैं तो टी में मिल्क और वाटर दोनों हम मिक्स करते हैं। तो 1 कप टी में आप 20 ml वाटर, 20 ml मिल्क एंड 10 ml वाटर डालोगे तो पूरा 1 कप आपका टी बन जाएगा। बट कॉफी जो होता है सिर्फ मिल्क से, मिल्क शुगर एंड कॉफी का पाउडर जो होता है वो हम यूज करते हैं। तो कॉफी बनाने के लिए मिल्क ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30 ml। राज राणा कॉफी स्टॉल ही यूज 30 ml मिल्क इन 1 कप, कितने कप में, 1 कप मिल्क के लिए वो 30 ml यूज करता है। देन हाउ मच मिल्क इज नीड फॉर मेकिंग 80 कप कॉफी, वो डेली अपने स्टॉल पे 80 कप जितनी कॉफी बनाता है तो उसे टोटल कितना मिल्क चाहिए। चलो पहले तो हमें पता है कि 1 कप के लिए वो 30 ml यूज करता है, हमें फाइंड क्या करना है, 80 कप का फाइंड करना है। स्टार्ट, इफ 1 कप कितने ml है, 30 ml, सो कितने कप का फाइंड करना है, 80 कप्स इक्वल टू क्वेश्चन हाउ मच। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज करेंगे, 80 × 30 / 1। देखो यहाँ पे दोनों जगह पे जीरो है, क्या है, दोनों जगह पे जीरो है तो हम सीधा कर देंगे, 8 × 3 = 24 फिर यहाँ पे एक ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो दो जीरो यहाँ पे आएंगे, तो ml 2400 ml। अभी उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 L/400 ml कितना मिल्क उसे चाहिए। देखो आप यहाँ पे साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन करो, इससे अच्छा ये आप सीख जाओगे जहाँ पे दोनों डिजिट में, दोनों नंबर में पीछे जीरो आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 × 3 = 24 एंड 8 का 0 एंड 3 का 0 दोनों के जीरो हमें पीछे रख देने तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 2400 ml। उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 L/400 ml। फिर हमें लास्ट में क्या लिख देना है, स्टेटमेंट, तो लिखेंगे ही नीड 2 L/400 ml मिल्क फॉर 80 कप कॉफी। ओके, तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना, ये एकदम इजी है, आप करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होगी, आप इससे मेरे से भी पहले आप कर पाओगे। ओके, तो टेंशन लेना नहीं है, सीखोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट सम हम देखते हैं, how much
नहीं चलेगा, तो वो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी वजह से हमें ये इस तरह
फोर नंबर
Then how much? How much milk cost? Cost for 1 month. यहाँ पे अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, सारी चीजें सेम हैं, बेस चेंज हो गए, ओके? यहाँ पे एक सेकंड लीटर में यू स्टॉप इन अ टी स्टॉल एवरी डे इफ 1 लीटर कॉस्ट इज 60, जो हमने आगे के सम में कर दिया, तो हाउ मच मिल्क कॉस्ट फॉर 1 month? तो हमें यहाँ पे 1 day का पता है कि 1 day में 420 रुपीज यूज होते हैं, तो 1 month में कितने होते हैं? बट आपको ये वाला क्वेश्चन जब आपको ये तो हमने किया है इसलिए हमने पता है कि 1 day में कितना यूज होता है, बट यहाँ पे हम आपको 2 sum करने पड़ेंगे। यहाँ जब आपको सिर्फ सिंगल ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आपको 2 method, यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 day का निकालना पड़ेगा एंड देन आप 1 month का, 30 days का निकाल सकते हो। पहले तो 1 month हमें 30 डेज के बेस पे ही निकालना है, तो 30 days, तो सेम पहले ये करेंगे, इफ 1 liter इज इक्वल टू रुपीज 60, सो 7 liter इज इक्वल टू क्वेश्चन, फिर सेम ये 7 करेंगे डिवाइड बाय 1, तो हमें आंसर मिलेगा 420 rupees। ओके, अभी हमने ये जो मिला 420 को 1 day का मिला, अभी हमें क्या करना है, इफ 1 day कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 420, सो कितने डेज, 1 month, 1 month that means 30 days, so 30 days cost is equal to how much, कितना करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 420 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 1, देखो यहाँ पे आपको 42 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहाँ पे 20 नहीं है, 42 है, इसलिए हमें साइड में सम कर लेते हैं, 420 मल्टीप्लाई 30, नीचे 2 digit है इसलिए हम पहले से 0 रख देते हैं, 3 into 0 तो 0, 3 2 6, 3 4 12, ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 12,000। देखो फिर 30 के बाद 0 है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 0 ही आएगा, 0 and 0 here 3 0 into 0 0 2 0 0 4 into 0 0 0 6 12, आंसर क्या आया, 1200 and 600 rupees। ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिख देना है कि 1 month, 1 month milk cost is, ये देखें, रुपीज 12,000।